दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A72 5G स्मार्टफोन के बारे में। इसका लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है, यहां तक कि इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन निकल कर आ चुका है, यहां तक इसकी यूनियन प्राइस भी पता लग चुका है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें। तो फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन में दोस्तों 6.67 इंच की एक फुल HD सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले होने वाले हैं। सेंट्रल अलाइंड सिंगल सेल्फी कैमरा होने वाला है दोस्तों। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया जाएगा। क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जर के बारे में, 6000 mAh की बैटरी और 25 वॉट की एक फास्ट चार्जर दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी कैमरे के बारे में, इसमें दिया जाएगा 64 मेगापिक्सल सोनी IMX682 सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में, इसमें दिया जाएगा एंड्रॉइड 11 बेस जो दिया जाएगा वो सैमसंग का UI 2.5 सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, इसमें दिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन एंड दिया जाएगा पावर लॉक अनलॉक बटन। इसमें दिया जाएगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस आईडी भी दिया जाएगा दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी पोर्ट्स के बारे में, USB टाइप सी पोर्ट्स दिया जाएगा एंड डॉल्बी एटमॉस जो बोलता है स्टूडियो स्पीकर, ये डुअल स्टूडियो स्पीकर दिया जाएगा एंड ये 5G स्मार्टफोन है तो इसमें दोस्तों दिया जाएगा 3.5 mm जैक को हटा दिया जाएगा दोस्तों, इसमें रिमूव कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसमें जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G और इसका जो 4G वेरिएंट आने वाला है उसमें दिया जाएगा दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G। दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन की इंडियन प्राइस के बारे में, इसकी इंडिया में प्राइस रखा जा सकता है दोस्तों 28,000 के आसपास, जो दोस्तों 6GB रैम 128GB स्टोरेज होने वाला है और इसमें दोस्तों LPDDR4X का रैम होगा और UFS 2.1 का स्टोरेज होगा, जो 8GB रैम 256GB स्टोरेज उसके प्राइस रखा जाएगा इंडिया में 30,000 के आसपास दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी इंडिया में लॉन्च होने की डेट, तो इसकी लॉन्च डेट दोस्तों आ सकता है फरवरी 15 तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों ये स्मार्टफोन के बारे में आपको सुन के कैसा लगा कि ये स्मार्टफोन के बारे में आप रुक के हैं, ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं? अगर आप सैमसंग का फैन है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, स्माइल एंड हैप्पी।